नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर भाई बात करेंगे सीधे जो यूपी कैडेट काउंसलिंग 2020 की जो है यहाँ पर उसकी डेट आ चुकी है। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और इसको शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ें पहुँच सके, ताकि सभी को जो है भाई इसकी जानकारी हो सके। ठीक है, तो भाई आप लोग जो है यहाँ पर आपको बता दिएगा तो पहले कि आपको डॉक्यूमेंट सभी रेडी रखने हैं ताकि जो है आपको कोई समस्या ना हो काउंसलिंग की। जैसे ही डेट आती है तो अब काउंसलिंग की डेट आ गई, आपको जो है वेट यहाँ पर नहीं करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जो है अब आपको 2 दिन आपके पास बचे हुए हैं अपने, अगर डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं तैयार भाई आपको जो है एकदम डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लेना है। ठीक है, तो भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो अंतिम तिथि है कब क्या है सब सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ना भाई वन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो भाई पहले आपके डॉक्यूमेंट जो है उसकी एक बार बात कर ले। देखिए आपको यहाँ पे जो है क्या क्या चीज़ें चाहिए जरूरी, जो ऑनलाइन द्वारा जो भरा गया फॉर्म है उसकी आवेदन पत्र आपको यहाँ पे चाहिए, और सीट आवंटन पत्र चाहिए, प्रवेश पत्र चाहिए, सारी चीज़ें मैं इसका वीडियो एक बार आपको बना के दे चुका हूँ। तो अगर आपको कोई समस्या होती है तो उसको जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा समस्या तो भाई उसको जो है व्हाट्सअप मेरे को कर लीजिएगा। ठीक है, 9170788397। ठीक है, ज़्यादा समस्या तो भाई इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको और ज़्यादा समस्या तो भाई टेलीग्राम चैनल पर भी आप वहाँ पर कर सकते हैं मैसेज। कहीं पर भी आपको अगर ज़्यादा समस्या तो भाई वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, बाकी सारी समस्या जो है उसका जो है समाधान मैं कर सकता हूँ जो भी मुझसे हो सकेगा। ठीक है, तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बने भाई उसको जरूर बना लीजिए पक्का भाई। नहीं तो देखिए डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको वहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी, वहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं, माई दादा वहाँ पर नहीं कुछ चलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको केवल डॉक्यूमेंट्स के जो बेस पर ही एंट्री मिलेगी, बस इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो बात है भाई वो अपलोडिंग की है और सारी चीज़ देखिए यहाँ पे जो आपको जो सिक्योरिटी फीस जमा करनी है सारी चीज़ जो है उसकी बात हम करेंगे भाई, कब से कब क्या करना है तो सब चीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो यूपी कैडेट ऑनलाइन काउंसलिंग की जो फीस आपको पे करनी भाई कब से कब उसकी स्टार्टिंग है। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग की जो है यहाँ पर जो फीस पे करनी है, ठीक है भाई, वो डेट जो है वो क्या है, 7 सितंबर है। 7 सितंबर वो डेट घोषित की गई, 7 सितंबर इसको आपको ध्यान रखना। 7 सितंबर जो है वो डेट घोषित कर दी। कितने रुपए आपको पे करने भाई, 500 रुपये आपको पे करने हैं। ठीक है, 500 रुपये पे करने हैं आपको ऑनलाइन। ऑनलाइन आप जो है यूपी कैडेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जब वहाँ पे जो है ऑनलाइन लॉगिन के लिए करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब जब आप वहाँ पे जो है पेमेंट कर देंगे, यानी जो ये आप 500 रुपये जब आप पेमेंट कर देंगे तब भैया जो है आपको 24 घंटे बाद, यानी अगर आपने जो है आज 8 बजे सुबह को किया है 8 बजे सुबह में, तब जो है अगली सुबह आपको 8 बजे के बाद ही जो है कोई ऑप्शन खुल के मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, 24 घंटे बाद ही ऑप्शन खुलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब तुरंत एकदम चढ़ेर पड़े रहो सर जी हमारा नहीं खुल रहा हमारा नहीं खुल रहा, ये नहीं करना है आपको, परेशान नहीं होना। 24 घंटे बाद ही सारी प्रोसेसिंग होती है उसके आगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए आपको जब यहाँ पे जब ये 24 घंटे हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको क्या आएगा भाई, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है सारी चीज़ें आपको देगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अब देखिए यहाँ पे जो है आपकी वो जो डेट रहेगी क्या रहेगी, 8 से 12 रहेगी। ठीक है, वो डेट जो रहेगी 8 से 12 की रहेगी। 7 सितंबर से जो है शुरू होगी, वो 12 तक जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मतलब जो फीस पे की समस्या है यहाँ पे जो सिस्टम रहेगा वो 7 से 12 तक चलेगी, लेकिन आप जो है जितना जल्दी उसको कर लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि मतलब आज करो कल करो, नहीं, आपको एकदम फटाफट काम करना है, तुरंत एकदम करना है। ये नहीं कि इसमें कोई लेट करना है कि आज सोमवार है नहीं करेंगे, बुधवार है नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करना है। ठीक है, एकदम फटाफट सारी चीज़ें आपको कर लेना है। देखिए भाई 8 से 12 जो है आपका क्या होगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा कि मतलब जो है आप भाई ऑनलाइन काउंसलिंग में जो है शामिल होना चाहते हैं, आप जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। ठीक है, आप जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, आपको ध्यान रखना है। आप जब डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे 8 से 12 के बीच में, तब आपको जो है 1 से 2 दिन के बीच, यानी 12 यहाँ पे जो है 14 से 17 के बीच एक फिर से डेट आएगी, यानी 2 दिन बाद जो है इसके एक बार डेट आएगी फिर से। आपको जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा भाई आप जो है वही पर्सन है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लीगल हैं, मतलब जैसे कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है जात प्रमाण पत्र सारी चीज़ जो वहाँ पे चेक की जाएंगी, मतलब जो है आपने जो अपलोड किया है सभी चीज़ें जो है नियम के तहत हैं, यानी सही है, जो डेट आपको दी गई थी उसके अंतर्गत हैं, जैसे कि आय जात निवास सारी चीज़ें 1 बाय 1 चेक की जाएंगी। अगर कुछ भी मतलब वैलिड पाया जाएगा तो भाई तो आपको जो है वहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि मतलब एकदम से बाहर कर, नहीं, फर्स्ट काउंसलिंग जो हो आपको बाहर कर दिया, आपको सेकेंड में मौका मिलेगा। देखिए परेशान नहीं होना, ठीक है, सारे ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, बस आपको परेशानी ये नहीं कि मतलब पहली काउंसलिंग में नहीं हुआ तो आपको जो है निराश हो जाना, हताश हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सभी चीज़ों के ऑप्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज़ का एक ही ऑप्शन होता है, नहीं भाई, कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब एक ना उसके बाद दूसरा ऑप्शन रहेगा भाई, सेकेंड काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है 14 से 17 यानी 14 से 17 की जो डेट जारी की है सेप्टेम्बर की, इसमें क्या होगा कि भाई आपको जो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग का आएगा ऑप्शन, सीट चॉइस फिलिंग, आपको जो है अपने अनुसार जो है सीट को जो है चॉइस करना पड़ेगा, मतलब आपको जो है कौन सा स्ट्रीम चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, हॉर्टिकल्चर चाहिए, फिशरीज चाहिए, और फॉरेस्ट्री चाहिए भाई, बीपीएससी चाहिए, क्या चाहिए आपको उसको भरना है। ठीक है,
VVSC इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जो वेटनरी वाले हैं, जो मतलब मेडिकल से स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी वाले, उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। तो भाई आपको जो है चॉइस फिलिंग करना, देखिए आपको चॉइस फिलिंग एक चीज़ ध्यान रखना, मतलब मैक्सिमम जो है कॉलेज आपको भरना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। मैक्सिमम कॉलेज कोशिश ये करना है कि मतलब भरना है, पता चले भाई आपकी रैंक कम है और आपने जो कम भरा भी कॉलेज, तो आपको समस्या हो जाएगी ना, मिलेगा, अलाउट ना हो पाएगा। इसका ध्यान रखना आपको, मतलब मैक्सिमम जो है जितना भर सको उतना भर लेना, ठीक है। कम से कम जो है 20 से कम ना भरना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखिए जब चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे भाई, मतलब 14 से 17 के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, उसके बाद एक दिन बाद जो है एक नई डेट आएगी, वो कौन सी डेट होगी, 18 से 19 की, 18 से 19 की एक डेट आएगी भाई। वो किस लिए डेट आएगी, मान लीजिए आपने गलती से जो है एग्रीकल्चर नहीं भरा, ठीक है, आपको लगा कि एग्रीकल्चर हमें नहीं मिलेगा, तो एग्रीकल्चर आपने नहीं भरा, लेकिन आपको जो है फिर बाद में जानकारी भाई एग्रीकल्चर भी मुझे मिला, आपको अपडेट करने के लिए मतलब कोई गलती हो गई, कोई डॉक्यूमेंट्स जो है आपने गलत भर दिया है, कुछ भी है, तो आप जो है उसको एक दिन अपडेट करने के लिए आपको मौका मिलेगा, अपडेट करने के लिए मौका मिलेगा, क्यों ध्यान रखना है, ठीक है। अपडेट करने के लिए एक दिन मौका मिलेगा, कोई गलती होती है इसका ध्यान रखना, अपडेट आप कर सकते हैं उसको एक दिन, कब, 18 से 19 के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी रहेगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो ये सीट लॉक वाला है, चॉइस लॉकिंग वाला, ठीक है, ये वाला जो रहेगा भाई, अपलोड डॉक्यूमेंट्स होने के बाद, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स जब हो जाएंगे यहाँ पे, जो अपडेट करेंगे इस दिन, जब अपडेट करेंगे इस दिन, अगर मान लीजिए आपने कोई अपडेट नहीं किया, मान लीजिए आपका सब कुछ सही है, आपको पता भी नहीं चला, आपने मान लीजिए ध्यान से आपके उतर गया, तो भाई क्या होगा, आपका जो सीट रहेगी, जो आपने भरा रहेगा, वही लॉक हो जाएगा। आप अगर लॉक नहीं करेंगे तो भी लॉक हो जाएगा। देखिए 18 से 19 की वो डेट रहेगी जिस दिन आपको सीट लॉक करना पड़ेगा। सीट लॉक करने का मतलब है कि अगर आपने अपडेट किया तो उसको भाई आपको लॉक करना पड़ेगा। अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपने जो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में आप एक बार सीट भर देंगे, वो खुद ब खुद अपने आप जो है भाई लॉक हो जाएगी, खुद अपने आप जो है वो लॉक कर दी जाएगी यूपी क्रेडिट के द्वारा। उसके द्वारा माना जाएगा यही कि भाई आपने जो है इस पर ही सहमति रखी है कि मतलब आपको इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसलिए जो है अगर आपको कोई परिवर्तन करना रहेगा तो भाई आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रख के चलनी है ना, तो भाई अलर्ट एकदम रहना। और यहाँ पे भाई जैसे कि देखिए, अच्छा VVSC की मतलब कभी कभी एज, मतलब यहाँ पे इशू रहता है, मतलब जैसे कि कुछ स्टूडेंट रहते हैं VVSC जो वेटनरी वाले भाई, उनको जो है एज का इशू रहता है, मतलब जैसे कि एज जो है उनकी जो है 16 से कम की ना रहनी चाहिए, मिनिमम जो है यहाँ पे 17 रहनी चाहिए, ये आपको देना, 17 से जो है उनकी 25 के बीच में रहनी चाहिए, मतलब 25 से ओवर भी ना रहे, 17 से नीचे भी ना रहे, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और जो BSc AG वाले थे उनका भाई 16 से होता है, कोई दिक्कत ना, 16 से जो है 22 तक उनका जाता है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे वेटनरी वाले उनका 25 जो है मैक्सिमम होता है, यानी 25 से जो है आपको ऊपर नहीं जाना, ये UG की यहाँ पे बात भी चल रही है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और देखिए यहाँ पे अब भाई कौन कौन से जो है काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं, यानी कौन कौन से जो है काउंसलिंग में शामिल होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है काउंसलिंग, मतलब जैसे कि रैंकिंग जिनकी 5000 से ऊपर थी, वो भाई निराश काफ़ी चल रहा है, सर मेरा होगा नहीं होगा, फलान डिगान, काफ़ी सारी समस्या उनके मन में चल रही थी, मतलब काफ़ी वो परेशान से चल रहे थे, तो यहाँ पे भाई उनके लिए भी एक सलूशन है। देखिए काउंसलिंग में आपको तो शामिल होना, पहली बात ये ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब अगर आपको जो है 6000 से नीचे की रैंकिंग है तो आपको काउंसलिंग में शामिल होना ही है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, एकदम कन्फर्म है, मतलब कि ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको शामिल होना है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको शामिल होने के लिए भाई आपको ज़रूर से जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए पहले बात करेंगे जनरल वालों की, पहले जनरल वालों की भाई बात की जाएगी, जनरल वाले जो है कौन से कहां तक के जो है रैंक वालों का जो है यहां पे ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। एक से जो है 5557 इसके बीच में अगर आप हैं तो भाई आप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक से 5557 के बीच में आपकी रैंक है तो आप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भैया आइए है किसके लिए, ये जनरल वालों के लिए, ठीक है, ये जनरल। अब भाई बात करेंगे 1000 जो एक से जो है 5556, ठीक है, रैंक तक आपका जो है OBC, अगर आप OBC के हैं, OBC स्टूडेंट हैं, तो आपको भाई जो है एक से 5556 तक जो है आपकी रैंक रहनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बीच में आप हैं तो आप जो है ऑनलाइन काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो है फर्स्ट काउंसलिंग की बात की जा रही है, केवल ऑनलाइन काउंसलिंग, अभी सेकेंड काउंसलिंग के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी आपको फर्स्ट का मिला है मौका, जैसे ही सेकेंड का आएगा तो उसका भी आपको तुरंत जो है अपडेट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए पहली जो OBC होगी, अब भाई SC वाले हैं उनकी भी बात कर लीजिए भाई, एक से जो है उनका 9000 जो है 70 यहाँ पे 68 से 70 की जो है आसपास है, तो भाई ये है हमारे SC वाले, ठीक है, SC स्टूडेंट, मतलब जिनका जो है लगभग 10000 के आसपास है, उनका भी सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि उनका सिलेक्शन है, मतलब चारों जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कानपुर है, अयोध्या है, बांदा है, मेरठ, चारों यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी, आपको ध्यान रखना, ठीक है।
ये मतलब मेजर और माइनर हो सकता है, मतलब मेजर पॉइंट जो मेजर सब्जेक्ट हो ना आपको मिले, माइनर मिल सकता है, लेकिन ये है कि मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए एस टी की बात की, भाई 9000 जो है यहाँ पर 718 तक आप ले सकते हैं, ठीक है भाई, ये एसटी वाले ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे जो है इतना जो है हो सकता है भाई, इस प्रकार से जो है सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉलेज जो है मिल जाएगा, कोई ना कोई जो है आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा सब्जेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें भाई ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में जो है आपको यहाँ पर इसके ध्यान रखना है, सारी चीज़ें जो है अपडेट है। और जो है अगर जो है पहली काउंसलिंग में जो है आप यहाँ पर फीस 500 रुपये जो पे करेंगे, उसके बाद जब आप सेकंड में जाएंगे तो उसके लिए भी 500 रुपये पे करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप जो है पहली काउंसलिंग सोच रहे हैं ना कराएं, सेकंड में हमको मिलेगा, तो भाई ये आप गलत सोच रहे हैं। मतलब ये जो है आपका अगर 6000 के अंदर, मतलब जो 5557 आपको बताया जा रहा है, उसके अगर आप अंदर आ रहे हैं भाई आप ज़रूर भाग लें, ठीक है। पहले में मिल जाएगा तो सबसे ज़्यादा बेटर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगर पहले में आपको फ्री वाला मिल गया तो भाई सेकंड में फिर घुसो ना, कहाँ दिक्कत है, मतलब आपका मन का नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया अपग्रेडेशन वाला सिस्टम, आपको मैंने बताया है कि अपग्रेड उसको आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने जो है वीडियो दूसरा एक बनाया था उसको जो है अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से देख के आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो आपका वीडियो भाई बस इतनी सी जानकारी थी यहाँ पे, आपको जो है वीडियो इसी के साथ हो गया कंप्लीट। और कोई समस्या है तो उसको जो है कमेंट कीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज, मैं तुरंत उसका जो है रिप्लाई कर दूंगा। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।